सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध रूप से रेत परिवहनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने ऑपरेशन सिकंजा के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 13,50,000 रुपए कीमत के 3 ट्रैक्टर के साथ इस रेत परिवहन में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शासन चौकी अंतर्गत मझौली गाँव के नाले से अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा रेत परिवहन की मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इन सब व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। अन परिवहन के आरोप में 3 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, क्या मामला था? आज दिनांक को पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रेत का उत्खनन ग्राम मझौली के पास म्यार नदी से कर रहे हैं, जिस पर एक विशेष टीम मौके के लिए रवाना की गई और उस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई, जिस पर 3 ट्रैक्टर, जो कि तीनों ट्रैक्टर स्वराज कंपनी के हैं।